मैं दिनेश चुलानिया। आज कैथल यात्रा के दौरान हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कैथल के राजा उदय सिंह द्वारा किला मनाया गया था उसमें किले का ये दृश्य। कैमरामैन से कहूँगा एक बार किले का दृश्य दिखाइए, कितना आलीशान सुंदर किला, जो अंदर से तो शायद हम नहीं दिखा पाएंगे, बाहरी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए डीएन हरियाणा के माध्यम से ये सब आप देख पा रहे हैं, जो कैथल के राजा उदय सिंह का किला है। ये देखिए कितना सुंदर किला कैथल के राजा उदय सिंह का, ये किला जिस किले का निर्माण कैथल के राजा उदय सिंह द्वारा किया गया था, और उदय सिंह द्वारा बनाया गया किला आज बाहर से तो बिल्कुल उसी सौंदर्य में नज़र आ रहा है। ये जो किले का दृश्य, जो ये किला है, किले का दृश्य बैक साइड से हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर से इसका रास्ता बंद है। देखेंगे अगर कोई रास्ता होगा तो अंदर जाने का, वो रास्ता भी हम आपको दिखाएंगे, जो कैथल के राजा उदय सिंह द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। ये देखिए भाई, किले की जर्जर हालात में एक हिस्सा जो आज खंडित हो चुका है, पहले भी इस साइड किले की बिल्डिंग हुआ करती थी, आज वो बिल्डिंग मौजूद नहीं है। देखिए बैक साइड में ये जो मंदिर नज़र आ रहा है, इसके साथ पहले किला यहाँ तक हुआ करता था। ये देखिए किले की जो बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है, उसकी दीवारें लगभग 3 से 4 फुट नीचे गहरी आज भी नज़र आ रही हैं। ये देखिए टीले के ऊपर जो इस किले का निर्माण किया गया था, वहाँ उस समय जो कंकड़ ईंट हुआ करते थे, ये साफ नज़र आ रहे हैं। ये किले का बाहरी दृश्य है। हम किले का अंदर का दृश्य देखते हैं, कहीं से अगर रास्ता मिलता है तो हम अंदर की तरफ जाएंगे। और ये देखिए जो किला है, ये टीले के ऊपर एक किला बनाया गया था, अभी बंद कर इसको। जो ये किला है, किले का दृश्य देखिए, किले का जो गेट है उसको वेल्ड किया गया है, अंदर से लॉक किया गया है, और ये किले का अंदर का दृश्य, कुछ इसका नवीनीकरण किया गया है बाद में। ये देखिए जो किले का दृश्य है, आप ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, किला अंदर से कुछ नवीनीकरण किया गया है किले के अंदर। और ये देखिए भाई जो किले का अंदर का दृश्य, ये देख किले के अंदर लाइट की फिटिंग भी की गई है। ये इसका जो किले का नवीनीकरण किया गया है, जो कैथल से विधायक हुआ करते थे रणदीप सिंह सुरजेवाला के नाम का, यहाँ पर शिलालेख भी लगा है उस समय का, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हुआ करते थे मंत्री हरियाणा सरकार के उस समय, उन्होंने इसका जीवन नवीनीकरण करवाया था कुछ। और ये देखिए किले का अंदर का दृश्य अब यहाँ से कुछ नज़र आ रहा है, और जो किले का इतिहास है वो हम आपको बताएंगे। 1767 में भाई देसु सिंह ने कैथल जहांगीर के अफगान शासक नियमत खां को पराजित कर सिख राज्य की नींव रखी। सिखों के गुरु हंस राय जी भाई देसु सिंह के पूर्वज भगत को के भाई की उपाधि प्रदान की, जिसने भाई भगतू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भाई देसु सिंह ने कैथल पर 1767 से लेकर 1781 तक, भाई लाल सिंह ने 1781 से लेकर 1814 तक, भाई प्रताप सिंह ने 1814 से लेकर 1823 तक तथा भाई उदय सिंह ने 1823 से लेकर 1843 तक राज किया। भाई उदय सिंह के पास लगभग 3500 सैनिक थे। भाई उदय सिंह इस किले में आलीशान इमारतें बनवाई। इस किले के चारों तरफ क्या तालाब का निर्माण किया गया, और उसके तालाब के ऊपर एक पुल भी बनवाया गया था। उदय सिंह साहित्यकारों का सम्मान करते थे। उन्होंने महाकवि भाई संतोष सिंह को कैथल में बुलाकर राज्य कवि पुरस्कार से सम्मानित किया था। 14 मार्च 1943 में भाई उदय सिंह की मृत्यु हो गई। भाई उदय सिंह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने कैथल के प्रधानमंत्री और उसके अन्य अधिकारियों को 23 मार्च 1947 को आदेश दिया कि अब रियासत का शासन अंग्रेजों के रेंज को सौंप दे, परंतु उदय सिंह की पत्नी रानी मेहताब कौर इसके लिए तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप 10 अप्रैल 1943 को अंग्रेज सेना ने कैथल की समस्त सीमाओं को नाकाबंदी कर दी। 11 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के लोगों ने कैथल की सेना में संयुक्त रूप से एक साथ सातों चौकियों पर आक्रमण कर दिया। कड़े संघर्ष के पश्चात अंग्रेज सेना को भगाने के लिए
भागने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें बहुत से अंग्रेज सैनिक मारे गए। अंग्रेज अधिकारी कर्नल के मेजर जनरल कास्ट को दिल्ली तथा मेरठ से सेना भिजवाने का आग्रह किया। कैथल राजे के पारिवारिक संबंध होने के बावजूद महाराज पटियाला ने अंग्रेजों की सहायता की। इतना ही नहीं, उन्होंने नाभा व जींद के राजा को भी अंग्रेजों की सहायता करने के लिए कहा, जबकि कैथल पटियाला नाभा जींद के राजा एक ही फुलकिया मिसल से संबंधित थे। 16 अप्रैल 1943 को अंग्रेजों का कैथल के किले व शहर पर अधिकार हो गया तथा अंग्रेजों ने कैथल रियासत का लेफ्ट नीति के अंतर्गत कंपनी के राज्य में शामिल किया। 1843 से लेकर 1849 तक कैथल अंग्रेजों के अधीन रहा। 1849 में कैथल को थानेसर जिला के अधीन कर दिया गया। 1862 में कैथल करनाल जिले का भाग बना दिया गया। 1867 में कैथल नगर पालिका बनी। तब कैथल की जनसंख्या 14,940 थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1973 तक कैथल करनाल जिले का उपमंडल रहा था। 1979 में कैथल को जिले का दर्जा दिया गया। आज कैथल जिला साहित्य, कला, व्यापार, उद्योग एवं राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये ठीक कैथल का जो किला है, जो राजा कैथल के राजा जो देसुभाई सिंह थे जागीर, अफगान शासक सैयद अली को पराजित करके राज्य अधिकार स्थापित किया गया था, उनके वंशजों को द्वारा इस किले का जो निर्माण कराया गया था। बहुत ही सुंदर किला, और इसके आसपास तालाब भी है और कुंडों का निर्माण किया गया है, पुलों का निर्माण किया गया है। ये किले का भारी दृश्य। आप बने रहिए DN हरियाणा के साथ इसी प्रकार की जानकारी के लिए। आज कैथल यात्रा के दौरान हमने आपको दिखाया जो कैथल के राजा उदय सिंह द्वारा जिस किले भव्य किले का निर्माण कराया था उसकी जानकारी दी। इसी प्रकार की ऐतिहासिक धरोहरों और प्राचीन किलों से संबंधित जानकारी के लिए आप बने रहिए DN हरियाणा के साथ। DN हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया कैथल से।